Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल एसटीएम मैथमेटिक्स में स्वागत है। आप लोगों को क्लास टेंथ का सब्जेक्ट साइंस से संबंधित आज मैं वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर साल आपको नए नए वीडियो मिलते रहे और जो भी आपको वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किस प्रकाश की किरणें गमन करती है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीधी रेखा में गमन करती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 होती है, ठीक है। उसके बाद किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है तो इसमें आपको हो जाएगा ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। फिर देखिए दिया क्वेश्चन नंबर 4, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो आपको मालूम चाहिए धनात्मक होती है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख लीजिए क्या होगा, तो ऋणात्मक होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है तो इसका आपका भी हो जाएगा धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होती है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऋणात्मक होती है। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है क्वेश्चन 8 में, तो ये आपका हो जाएगा धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम निम्न से कौन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बी में आपको इसका आंसर बी हो जाएगा, m = -v/u। गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में से कौन होती है, ठीक है। तो 10 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा m v/u। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा उत्तर की ओर प्लस वाई अक्ष को अनुदेश मापी जाने वाली दूरी मापी जाती है तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन में आपको देखिए धनात्मक दिया है तो धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 12, क्वेश्चन नंबर बारह में दिया है ठीक वही क्वेश्चन है, इसमें ऋणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दिया है नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाई और प्लस एक्स के अनुदेश मापी गई सभी दूरियां मापी जाती है, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिए, 13 क्वेश्चन में आपको दिया है, जो 13 क्वेश्चन का आंसर होगा धनात्मक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए आप लोग। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं ओर मानसिक अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां होती है, तो ये आपका बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में दत्त विशेष मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको होना चाहिए, मालूम होना चाहिए 15 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है, अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रीय करने के लिए निम्न किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना, अवतल दर्पण के। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, टॉर्च सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 17 में देखिए, तो ये आपका हो गया 17 का आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आंसर अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, सेविंग दर्पण जो दाढ़ी बनाया जाता है, तो आपको 18 में हो जाएगा अवतल दर्पण का, आप लोग हजामी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 19 में देखिए, वाहनों के पक्ष दृष्ट आपको दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों में।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, गोलीय लेंस की वृत्तकार रूपरेखा का प्रभावित व्यास कहलाती है, तो क्या हो जाएगी 20 में, तो आपको मालूम हो जाएगा द्वारा कहलाती है। किस लेंस के सहायक से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का सकेंद्र ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है, तो ये आपका बी हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता को मालूम है क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, आपको मालूम है धनात्मक होती है और अवतल में ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको मालूम क्या है, देख लीजिए डायोप्टर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसी बीम के अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है, ठीक, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। 25 में देखिए, तो वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए। किसी बीम के वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, ठीक है। 26 में देखिए, तो 26 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए 27 में, किसी दर्पण के आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपको प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होती है, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, आपको हो जाए मिल जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा डी, या तो समतल होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 5 सीएम फोकस दूरी पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 29, निम्न में किस दर्पण को दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ठीक है, क्वेश्चन 29 में, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम आप पढ़े होंगे, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम 30 का आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो कोण आई बराबर आर होता है, ठीक है। 31 में, किसी पारदर्शी माध्यम का परतनांक होता है, ठीक है, आपको 31 का देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो 31 से साइन आई बटा में आर होता है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन नियमों को माने स्नेल कहते हैं, ठीक है, तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा साइन आई बटा आर स्थिरांक होता है। अब देखिए निम्न में किस द्वात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है, ठीक है, 33 में, तो 33 का हो जाएगा सी, बेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्न में से किस ठोस द्रव्यमात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है, तो इसमें देखिए कांच, रूबी, हीरा, नीलम, तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 34 का, तो 34 का आपका हो जाएगा हीरा हो सकता है, ठीक है, होगा। निम्न में किस गैसीय द्रव्यमान माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है, यदि प्रकाश की चाल माध्यम -1 में V1 तथा -2 में V2 हो, तो माध्यम 2 का -1 के सापेक्ष क्या होता है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि V1 बटा V2 हो जाएगा, क्योंकि माध्यम को बात हो गया है। अवतल दर्पण में को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 38 का सी, अभिसारी भी नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी देखिए उत्तल दर्पण कहा गया, तो ये अभिसारी था, तो ये आपका हो गया अपसारी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अवतल लेंस को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस आ गया, तो लेंस के भी हो जाएगा अपसारी लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका अभिसारी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसी तरह देगा जो आपको फंसा था, दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो आपको दर्पण का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, तो ये होता है 1/V + 1/U/1 लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र क्या है, तो लेंस का सूत्र आप देखिएगा 1/V - 1/U = 1/F, ठीक है, तो
तो ये आपका हो सकता है लेंस का सूत्र। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए यह हो गया कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है एक से अधिक हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने का प्रतिबिंब प्राकृतिक होती है। तो आपको देख लीजिए ये आपका हो गया आपका डी, आभासी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि उत्तल लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे गए प्रतिबिंब का प्राकृतिक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 47 का आभासी हो जाएगा और सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक है। तो क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा 48 का आंसर देख लीजिए आपका ध्रुव और फोकस बीच होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान दीजिएगा, ये भी अनंत पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो को अंतिम क्वेश्चन 50 तक ही बताएंगे आपको। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। इस प्रकार आपको 50 क्वेश्चन हम बता चुके हैं लेसन 1 से। अब आप अगला वीडियो में देखेंगे लेसन 2। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।